दोस्तों टाटा की तरफ से टाटा 5 CNG को ह्युंडई एक्सटर CNG से कम कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया है और आज इस वीडियो में हम आपको टाटा 5 CNG की प्राइस और इसकी माइलेज के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी माता उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स की तरफ से 4 अगस्त को अपनी मोस्ट पॉपुलर SUV या कहें माइक्रो SUV टाटा 5 की CNG वर्जन को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस SUV को कुल 5 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 7.10 लाख रुपये से लेकर 9.68 लाख रुपये एक्सोरूम के बीच पेश किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह कीमत इस SUV की सबसे नज़दीक की राइवलरी या कहे ह्युंडई एक्सटर के CNG वेरिएंट से काफ़ी कम है। एक्सटर CNG की शुरुआती कीमत 8.24 लाख रुपये से शुरू होती है। 5 CNG 3 ट्रिम्स में अवेलेबल है जैसे कि प्योर, एडवेंचर और एकॉम्प्लिस्ड। टाटा टियागो, टिगोर और एल्ट्रोस के बाद यह टाटा की तरफ से पेश की जाने वाली चौथा CNG मॉडल है। इसी के साथ टाटा का CNG पोर्टफोलियो और भी मजबूत हो गया है। CNG वेरियंट प्रत्येक पेट्रोल ट्रिम के मुकाबले तकरीबन 1.60 लाख रुपये महंगा है। 5 CNG में कंपनी ने उसी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि पेट्रोल वेरिएंट में भी मिलता है। ये इंजन पेट्रोल के साथ 86 BHP की पावर और 130 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबल है और CNG मोड में 73.4 BHP की पावर और 103 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है और इसके केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया गया है, यानी कि CNG के ग्राहकों को ऑटोमेटिक का लाभ नहीं मिलेगा। टाटा मोटर्स के CNG लाइनअप की सभी मॉडल की तरह 5 को भी सीधे CNG मोड में स्टार्ट किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सुविधा मारुति या फिर ह्युंडई द्वारा पेश की जाने वाली CNG कारों में नहीं मिलती है। और अब बात कर लेते हैं टाटा 5 CNG की माइलेज के बारे में। अगर माइलेज की बात करें तो 5 की CNG मॉडल आपको लगभग 30 से 35 km पर KG का माइलेज देने में कैपेबल है। तो टाटा 5 की इस नई वेरिएंट के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।